आकाश भूमि न्यूज, खबरों का संसार सीधे आपके द्वार। बड़ी खबर आ रही है जनपद भदोही से, जहां तहसील ज्ञानपुर के अंतर्गत रमेपुर गांव में मुंबई से लौटे एक ही परिवार के 16 लोगों में कोरोना संक्रमण का लक्षण मिलने से मचा हड़कंप। कोरोना से मृत परिजन का अंतिम संस्कार कर लौटे थे परिजन। कफ सिरप पीकर बीमारी को टालने का करते रहे प्रयास। इन सभी में 10 सदस्यों में तेज बुखार और खांसी के लक्षण मिले। खांसी के इलाज के लिए कफ सिरप पी रहे थे ये लोग। सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। रमईपुर गांव निवासी कमला शंकर सिंह के परिवार का मामला। गांव में मौजूद परिजनों ने उनकी घर से दूर नीम के पेड़ के नीचे सोने की व्यवस्था की थी। मामला प्रशासन तक पहुंचा तो मंगलवार देर शाम तहसीलदार देवेंद्र यादव गांव में पहुंचे और पूरी जानकारी प्राप्त की। इनमें 8 लोगों को तेज बुखार था। सभी सदस्यों को एम्बुलेंस से महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। मौके पर ज्ञानपुर उप जिलाधिकारी कविता मीना व क्षेत्राधिकारी कालू सिंह भी मौजूद रहे। गांव में आने जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। तहसीलदार ज्ञानपुर देवेंद्र यादव ने कहा कि गांव में जरूरत की जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी प्रशासन स्तर पर पहुंचाई जाएंगी। 16 सदस्यों में से केवल एक सदस्य आदर्श की रिपोर्ट आई है, जिसे जांच में पॉजिटिव पाया गया है। खबर आ रही है कि जो ड्राइवर इन सदस्यों को लेकर मुंबई से आया था, उसका भी सैंपल जाँच के लिए भेजा गया है। जनपद भदोही से आकाश भूमि न्यूज के लिए चीफ एडिटर सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आकाश भूमि न्यूज आपसे अपील करता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। यदि आप कहीं बाहर से लौटे हैं तो खुद को क्वारंटाइन करें। लोगों की जान को सकते में न डालें।